हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति फैमिली ब्लॉग। तो बस मैं आज आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रा भी एक लाइक कर देना, मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले तो मेरी साड़ी देखिए, आज मैंने फर्स्ट टाइम ही वेयर की है ये साड़ी। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। तो ये ब्लैक कलर की साड़ी है और इसका रेड कलर का बॉर्डर है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। जो आपको परचेज़ करनी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप परचेज़ कर सकते हैं। अभी 80-70% ऑफ चल रहा है तो अभी ख़रीदेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि वेस्ट बेल्ट जिसे तगड़ी भी बोलते हैं वो किस किस तरीके से स्टाइलिश तरीके से वियर की जा सकती है साड़ी में, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। आजकल सभी वेडिंग लोग, शादी हो पार्टी हो, हर चीज़ में साड़ी वियर करते हैं या लहंगा वियर करते हैं, तो वेस्ट बेल्ट ज़रूर ही वियर करते हैं। तो बस मैं आपको वही बताऊंगी कि किस तरीके से स्टाइलिश वे में वो वियर की जा सकती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने उल्टे पल्ले की लो वेस्ट साड़ी पहनी हुई है और उसका पल्ला मैंने कुछ इस तरीके से लिया हुआ है और ये है वेस्ट बेल्ट। तो मैं इसी को बताऊंगी किस तरीके से हम इसको थ्री वे में स्टाइलिश वे में से हम पहन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, तो देखिए इस तरीके से भी पहन सकते हैं हम। ये भी कई तरीके की आती हैं और पतली भी आती है, मेरे पास पतली भी है और ज़्यादा हैवी भी आती है। तो पतली अच्छी लगती है, ज़्यादा हैवी अच्छी नहीं लगती है। देखिए सबसे फर्स्ट स्टाइल तो ये है, इस तरीके से हम वियर कर सकते हैं। इस तरीके से बंगालियों में की जाती है, शादी में भी आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छी लगती है। देखिए इस तरीके से तो फर्स्ट तो आप इस तरीके से वियर कर सकते हैं इसको। और सेकंड है ये, तो देखिए आप इस तरीके से वियर कर सकते हैं सेकंड इसको। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो ये साड़ी के ऊपर से है, तो सेकंड तो ये था, इस तरीके से आप वियर कर सकते हैं। और अगर जो कोई कोई ऐसा भी कर लेता है, जैसे ये जो पल्लू है ना, इसको साथ लेके भी कर सकते हैं हम। मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसको साथ लेके भी कर सकते हैं। इसको साथ लेने का बेनिफिट ये है कि पल्लू भी कहीं भी नहीं जाएगा, इधर से उधर कहीं नहीं मिलेगा। देखिए तो ये पल्लू के साथ है, बंगाली में बहुत ज़्यादा इस तरीके से पहनी जाती है वेस्ट बेल्ट और बहुत अच्छी भी लगती है। तो थर्ड स्टेप, तो थर्ड था ये, इस तरीके से आप वियर कर सकते हैं इसको। और अब मैं बताती हूँ आपको फोर्थ स्टाइल। फोर्थ स्टाइल है ये, पल्लू के अंदर से इस तरीके से हम बारीक वेस्ट चेन होती है उसको भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है वेस्ट चेन। तो ये थे फोर स्टाइल्स जिस तरीके से हम अपनी वेस्ट बेल्ट लगा सकते हैं, वियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल हुई हो और आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल पर जो नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।